बैतूल का जिक्र करेंगे। अवैध हथियार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, 3 कट्टे, 1 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। 4 बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अवैध हथियार बेचने की फिराक में ये चारों थे। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी और अब जाकर के ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 कट्टे, 1 देसी पिस्टल बरामद हुई है। 4 बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और साथ ही साथ अब जब गिरफ्तारी हुई है इन बदमाशों की तो कई सारे खुलासे भी होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, बदमाशों की गिरफ्तारी, साथ ही साथ पिस्टल कारतूस भी बरामद। जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और एक ऐसे समय पर ये पुलिस को सफलता मिली है जब इन बदमाशों ने बैतूल शहर में अवैध हथियारों का की जो सप्लाई है और बिक्री का काम ये बड़े जोर शोर से कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से एक जो आरोपी है वो जिला बदर किया जा चुका है पिछले साल, उसके बावजूद वो जिले के अंदर आ करके हथियार बेच रहा था। पुलिस को बड़ी सफलता इस मामले में भी मिली है कि जो व्यक्ति इन्हें हथियार सप्लाई कर रहा था वो भी लगभग 1 सप्ताह पहले पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसी के इनपुट्स पर पुलिस ने इन चारों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। और पुलिस का ये कहना है कि अभी और भी इनसे जो है जानकारियां मिल सकती है और जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई का पूरा जो नेटवर्क है उसका भी उस तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिल सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु जानकारी को साझा करने के लिए। खरगोन का जिक्र करेंगे। ब्रांडेड कंपनी की चॉकलेट में मिले हैं नकली दांत। जी हाँ, निजी स्कूल की रिटायर्ड प्राचार्य माया देवी गुप्ता को चॉकलेट में नकली दांत मिले हैं और इसे निकलने का वीडियो भी सामने आया। रिटायर्ड प्राचार्य ने जन्मदिन की पार्टी में चॉकलेट मिलने का दावा किया था। सूचना के बाद खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग की टीम ने स्थानीय चॉकलेट वितरक के यहाँ सैंपल लिया। चॉकलेट का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा अब भोपाल लैब। तो ब्रांडेड कंपनी की चॉकलेट है ये और इसमें दांत पाए गए हैं। अब ये वीडियो भी सामने आया, इससे पहले भी आपने कई सारी तस्वीरें देखी कि कभी आइसक्रीम में कभी फूड ऐसे खाद्य पदार्थ चॉकलेट में ये प्रकाश में आया है और हमारे संज्ञान में आया है तो संबंधित फर्म जो सप्लायर है यहाँ का तो वो चॉकलेट हमने नमूना जाँच के लिए प्रयोगशाला को भेजा है और जांच रिपोर्ट के उपरांत तो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा संज्ञान, मामला क्या था? वो पीड़िता शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि चॉकलेट में दांत वगैरह पाए गए तो हमने उसके संबंध में नमूने लिए गए। अच्छा जी, क्या चार दांत बताए? जी, 4 दांत बताए। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, इससे पहले भी हमने देखा था कि कैडबरी में कीड़ा पाया गया था और अब ये तस्वीर सामने आई है कि चॉकलेट के अंदर दांत पाए गए हैं। ये भी बताइए कि ये दांत असली हैं, नकली हैं और ये कौन से किस्म की चॉकलेट थी जिसमें ये पाए गए हैं? ये ब्रांडेड कंपनी है, इसमें भी चॉकलेट थी, चॉकलेट में 4 दांत नकली पाए गए। ये माया देवी है, बैंक कॉलोनी में रहती है, एक निजी स्कूल में रिटायर्ड प्राचार्य है और उनके द्वारा ये पूरी बात सामने आई है। उनका एक वीडियो भी सामने आया और माया देवी ने कहा कि वो उनको चॉकलेट खाने का शौक है, हालांकि उनकी उम्र ज्यादा है लेकिन उन्होंने जब चॉकलेट खाई, चॉकलेट खाने के बाद वो सहम गई जब उनके दांतों में एकदम ये 4 नकली दांत मिले। और इस मामले को लेकर जो खास सुरक्षा अधिकारी है HL आवासीय, उनके द्वारा तत्कालीन जब उनको संज्ञान में मामला आता तो जो स्थानीय वितरक है उनके हमने छापेमार कार्रवाई की है और सैंपल जब्त किया है। सैंपल को भोपाल भेजा जाएगा और सैंपल जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ऋतु यहाँ बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये जो 4 नकली दांत चॉकलेट के अंदर मिले और ये ब्रांडेड कंपनी है और ब्रांडेड की चॉकलेट में जब ये मिले हैं तो कहीं ना कहीं शहर में हड़कंप जरूर मच गया है। और हमारी जो रिटायर्ड प्राचार्य उनसे भी बातचीत की, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने वीडियो जरूर उनका सामने आया था जो वायरल भी हुआ था, लेकिन उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अब वो इस मामले को उन्होंने पहुंचा दिया है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि वो मीडिया के सामने से उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में अपनी ओर से ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने भी व्यक्त किया है कि इस प्रकार से चॉकलेट में अगर दांत निकलेंगे कोई। ठीक आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर का जिक्र करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी देखने को मिली, बिना पंजीयन के संचालित क्लिनिक बंद किया गया है। सीएमएचओ ने 4 क्लिनिक पर ताला जड़ दिया, इन क्लिनिक पर ताला जड़ा गया है। साईं कृपा क्लिनिक, हजीरा ग्वालियर, बालाजी औषधालय, गदाईपुरा ग्वालियर, पूजा क्लिनिक, बड़ाईपुरा ग्वालियर, रोग निदान क्लिनिक, बिरला नगर, ये सारे क्लिनिक हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, ये कहें या बिना पंजीयन के संचालित हो रहे थे। इसीलिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, यहाँ पर ताला जड़ दिया गया और अब जो है ताला तो जड़ दिया गया है, पर अभी जांच पड़ताल चल रही है कितने लंबे वक्त से ये सभी क्लिनिक संचालित हो रहे थे, वैध हैं अवैध हैं, डॉक्टर्स जो हैं वाकई डॉक्टर्स हैं झोला छाप, ये तमाम वो विषय हैं जिन पर जांच पड़ताल होना जरूरी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, 4 क्लिनिक सील किए गए हैं, शुरुआती जांच में क्या क्या सामने आ पाया है? तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज छापामार कार्रवाई की, औचक निरीक्षण, इस दौरान उन्होंने हजीरा, बिरला नगर, गदईपुरा इलाके में निरीक्षण किया, तो वहां पर 4 जो क्लिनिक थे उनमें जांच करने पर ये पाया कि ये क्लिनिक बिना पंजीयन के चल रहे थे, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। यही वजह है कि सीएमएचओ ने तत्काल निर्देश देकर स्वास्थ्य विभाग की टीम से इन सभी 4 क्लिनिक पर ताला लगवा दिया, सील करवा दिए और इनकी जांच भी कराई जा रही, साथ ही डॉक्टर इनमें तैनात थे उनकी भी जांच की जाएगी और आने वाले समय में और अगर गड़बड़ियां मिलती हैं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई के लिए पहल की जाएगी। निश्चित तौर पर अभी लगातार 2 सप्ताह से जो छापेमार कार्रवाई चल रही है उसमें अभी तक करीब 11 से 12 क्लिनिक और मेडिकल स्टोर सहित क्लिनिक बंद किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम जो है लगातार जारी रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता का व्हाट्सएप जो है हैक हो चुका है, प्रफुल्ल कुमार का व्हाट्सएप हैक हुआ है, परिचितों को मैसेज कर हैकर्स ने पैसे भी मांगे हैं। चकरभाटा थाने में इसकी शिकायत कराई गई, अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं ये, इनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है और हैकर्स ने कई सारे लोगों को मैसेजेस किए, पैसों की मांग की, अब इसकी जो है शिकायत भी कर दी गई है।